नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। यही वजह है कि लगभग हर घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होता है। तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। धार्मिक दृष्टि से नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से विशेष लाभ मिलते हैं, लेकिन रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। और तो और दोस्तों, भूल कर भी तुलसी में घर का ऐसा जल भूल कर भी मत चढ़ाना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। इसी के साथ हम जानेंगे कि किन महिलाओं को तुलसी माँ को कभी भी गलती से जल नहीं देना चाहिए, वरना होता है घोर अनर्थ। माँ तुलसी के साथ ही माँ लक्ष्मी भी हो जाती हैं क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, शास्त्रों में भी लिखा गया है कि तुलसी का पौधा भगवान नारायण और लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है तो वहाँ पर साक्षात महालक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती हैं। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल अगर कर लेता है तो सदैव महालक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती हैं। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसे में आइए जान लेते हैं उन वास्तु के नियमों के बारे में। दोस्तों, नंबर एक, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाती है। दोस्तों, नंबर दो, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे से राजा बना देती है। इसीलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, नंबर तीन, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। नंबर चार, यदि आपका कारोबार कम चलता है या पूरी तरह से ठप हो गया है तो दोस्तों ऐसे में आप परेशान ना हों, हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहें, आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। दोस्तों, नंबर पांच, जहां पर स्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूल कर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती भी नहीं, बल्कि जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। नंबर छह, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर ले आए और नियमित इसकी पूजा करें और देखें तुलसी माता का चमत्कार। दोस्तों, नंबर सात, 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। कहते हैं अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दें, वो प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया ही जाता है, लेकिन भगवान शंकर और श्री गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। दोस्तों, नंबर आठ, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नज़र लगी है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतार कर घर के पीछे की तरफ रख दें, सब ठीक हो जाता है। ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में उतारनी है। दोस्तों, नंबर नौ, परेशानी को जड़ से ख़त्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रख कर सो जाएं और सुबह होने के बाद कुछ पत्ते खा लें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे में बचे हुए पत्ते फिर से तकिए के नीचे रख कर सो जाएं और सुबह खा लें। ये नियम अपनाएं और देखिए चमत्कार। दोस्तों, नंबर 10, ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नजर कभी नहीं लगती। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगा जल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो उन्हें प्याज और लहसुन और मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, नंबर 11, यदि आपका हर कार्य असफल हो जाता है तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे की जड़ को लेकर उसे गंगा जल से धो लें। इसके बाद इसकी ठीक तरह से पूजा करें और फिर पीले कपड़े में बांध कर रख दें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 12, जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह
बहाकर आता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। तुलसी माता सदैव उसके साथ रहती है और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा करती है। दोस्तों, नंबर 13, जो व्यक्ति तुलसी का पाउडर इस्तेमाल करता है तो वो हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारी से बचा रहता है। तुलसी का पाउडर कई अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। दोस्तों, नंबर 14, तुलसी को कौन सी दिशा में रखें, आइए जानते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए, सबसे उत्तम है। दोस्तों, नंबर 15, तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लगाएं तो बृहस्पतिवार के दिन ही लगाएं और सुबह के समय ही लगाएं, और ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग को रखें ना ही गणेश की प्रतिमा को। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी पर कभी भी गंदा या अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए, हमेशा साफ शुद्ध जल का ही उपयोग करें। अगर जो पानी पीने के लायक ना हो तो ऐसे जल का उपयोग ना करें। जिस जल को आप पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं ऐसा ही जल तुलसी को देना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने अपने घर की तुलसी छत पर रखी हुई है तो निश्चित रूप से आपके घर की उत्तर दिशा में चींटियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। घर की उत्तर दिशा में कहीं ना कहीं दरारें पड़नी भी शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों के घर पर तुलसी का पौधा नहीं होता वहां पर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इसे बुरे केतु की निशानी माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में हमेशा श्यामा तुलसी रखी जाती है। श्यामा तुलसी में पत्तियां बिल्कुल हरी और बड़ी बड़ी होती हैं। इसे तुलसा जी भी कहते हैं। तुलसा जी को दक्षिण दिशा में रखने पर वास्तु दोष दूर होते हैं। दोस्तों, तुलसी को घर की छत पर रखना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके पास तुलसी जी को छत पर रखने के सिवाय कोई और जगह नहीं है तो एक विशेष उपाय जरूर करें। तुलसी को कभी भी अकेले ना रखें, हमेशा उसे केले के पौधे के साथ रखें। दोनों पौधे बिल्कुल साथ में रखें और इसे मौली से बांध लें। इससे आपको वास्तु दोष की हानि नहीं होगी। सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती हैं वो ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा की जा सकती है, क्या महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती हैं या नहीं, तो चलिए इस बारे में जानते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती हैं और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर जाना नहीं चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नज़र लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। और कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल व तुलसी पूजा व तुलसी व्रत भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास भी ना जाएं वरना तुलसी का पौधा सूख सकता है। तुलसी की पवित्रता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के बाद ही कोई धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।